रामलला के भक्तों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट एक और नई सौगात देने जा रहा है। यह सौगात है रामलला के प्रसाद का। रामलला के जो भक्त हैं, जब मंदिर में दर्शन करते थे तो उनको दर्शन करने के बाद प्रसाद दिया जाता था, लेकिन अब जब भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद जो है राम भक्तों को प्रसाद जो है वो मशीन के द्वारा दिया जाएगा, जिससे यह जो राम भक्त आते हैं, किस कोई भी राम भक्त बिना प्रसाद लिए आगे ना जा सके, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह प्लान तैयार किया है, जिसको देखते हुए जो तैयारियां हैं शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि राम भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जसिको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि राम भक्त जो दर्शन करने आते हैं उनको प्रसाद मशीन के द्वारा दिया जाए, जिससे कोई भी राम भक्त बिना प्रसाद लिए न जा सके। अयोध्या से एबीपी न्यूज के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।